मेरे दोस्त, कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में अगर दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। आज का न्यूज़ सुनकर हर भारत का नागरिक लड्डू बांटना शुरू करेगा। आदरणीय भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ BRMGSS के मेरे प्यारे भाइयों, बहनों, दोस्तों, साथियों, माता पिताओं और छोटे बच्चों, मैं बहुत ही खुशखबरी आपको देने जा रहा हूं। मैं कल दिनांक 5 सितंबर, जो कि शिक्षक दिवस है, 2022 को शाम 4 बजे भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ कार्यालय में डॉक्टर रमन जी से मिला और उन्होंने ऐसा संदेश दिया कि सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के संघर्षरत साथियों का दिल को गदगद कर देगा और वे मिठाइयां बांटना शुरू कर देंगे, क्योंकि अगले महीने से भारतीय रेलवे माल गोदाम के मजदूर परमानेंट कर्मचारी कहलाएंगे। उनको हर एक माह अगले महीने से उनके खाते में वेतन मिलना प्रारंभ हो जाएगा। ये गुड न्यूज को पूरे भारत में फैला दो और ये बता दो कि मजदूर कुछ भी कर सकता है, असंभव को संभव कर सकता है। डॉक्टर श्री रमन ने मुझे बताया कि जो लीडर्स 1998 से लेकर आज तक ईमानदारी पूर्वक संगठन के विस्तार और विकास में श्रम दान, पैसे दान और अपनी योग्यता का दान दिए, उनको प्रत्येक माल गोदाम में अपॉइंटमेंट करने का कोटा मिल गया है। मतलब उस माल गोदाम में अगर 1000 कैपेसिटी है तो 1000 में से 500 कोटा जो लीडरशिप किए हैं उनको नियुक्त करने का या रिकमेंड करने का, भारत सरकार को भेजने का अधिकार मिल गया है। कहने का मतलब यह है कि अगर कोलकाता माल गोदाम में काम करने वाले मजदूरों को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ BRMGSS से जोड़े तो जोड़ने वाले व्यक्तियों को भारत के किसी भी माल गोदाम में नियुक्ति करने के लिए रिकमेंडेशन का अधिकार और कोटा मिल गया है। अब सभी लीडर अपने अपने क्षेत्र के माल गोदाम में नियुक्ति के लिए कोटा अनुसार मजदूरों के नाम को रिकमेंड करेंगे, भारत सरकार को रिकमेंड करेंगे, क्योंकि भारत सरकार हमारी सारी 13 सूत्री मांग को मान गई है। मैं सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लीडर्स को तहे दिल से बधाई देता हूं कि उनके अथक प्रयास, बलिदान और कुर्बानी का ही नतीजा है जब भारत के मजदूरों का रेलवे में स्थायीकरण होने जा रहा है और अगले माह से ही सभी मजदूरों को वेतन उनके खाते में मिलना प्रारंभ की चर्चाएं होने लगी है, आपकी शादी होने की चर्चा होने लगी है। इससे बड़ा खुशखबरी आपके लिए क्या हो सकता है? अब जवान हो गए हैं, कुंवारियां आपके पीछे अब दौड़ेगी, इसलिए तैयार हो जाइए। कोई भी काम असंभव नहीं है, इस बात को भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूर साबित करके भारत की जनता के समक्ष रख दिए हैं। बहुत लोग बोलते थे, उछलते थे कि यह असंभव है, कभी रेगुलर नहीं होगा। आज उन लोगों का मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा जो गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, रानी लक्ष्मीबाई इत्यादि, बिरसा मुंडा जी, उन सभी पर भी उंगली ऐसे ही उठाया गया था। बहुत सारे लोग थे उस जमाने में जो कहते थे कि आजादी कभी नहीं मिलेगी, लेकिन बावजूद कुछ लोग लगे रहे और आजादी मिल गई है। वही आजादी आज इस न्यूज के बाद पूरे भारत में एक 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 खुशी का माहौल होगा। डॉक्टर रमन ने मुझे यह भी बताया कि जिनका QR कोड, श्रम कार्ड और 8 कॉलम का जो रजिस्टर प्रोफाइल है, उसे अगर आप तैयार नहीं किए हैं, यथाशीघ्र 10 सितंबर 2022 से पहले संपर्क करके प्रोफाइल बनवा लें। मैं तो चाहूँगा कि आप डॉक्टर रमन जी से ही संपर्क करें, क्योंकि मैं जानता हूँ उनको पर्सनली जानता हूँ, मेरे मित्र भी हैं और वो बहुत ही ईमानदार हैं। बहुत सारे मजदूर ऐसे भी उनके पास आए जो बहुत जगहों से हताश होकर आए थे, कई हजार रुपए लुटा कर उनके पास आए थे और उनका भी QR कोड, श्रम कार्ड इत्यादि को उन्होंने बना दिया। इससे बड़ा काम क्या हो सकता है? पुण्य का काम, उन्होंने पुण्य का काम कर दिखाया है और पुण्य का परिणाम हमेशा पुण्य ही होता है। जो लोग विलंब करेंगे उनका रिकमेंडेशन नहीं होगा। कहने का मतलब है, जिनका QR कोड, श्रम कार्ड और जो प्रोफाइल है, 8 कॉलम वाला प्रोफाइल वाला रजिस्टर, उसमें अगर अपडेशन नहीं होगा,
और QR कोड और श्रम कार्ड का लिंक नहीं होगा, उनका नाम का रिकमेंडेशन नहीं होगा, मतलब उनका नाम को भारत सरकार को नहीं सौंपी जाएगी। आइए हम डॉक्टर रमन की मुंह जुबानी आवाज सुने और समझें कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और आपको किस तरह से सजग होकर हमारे भारतीय रेलवे माल गोदाम की इस उपलब्धि के लिए जश्न मनाना है, जश्न मनाना है, ठीक है, क्योंकि आपकी शादी होने वाली है, कई कुंवारियां आपके लिए तैयार होंगी शादी करने के लिए, ठीक है, तैयार हो जाइए। आगे सुनिए डॉक्टर रमन जी का ये आवाज। गुड मॉर्निंग कैसे हैं, घर पर हैं क्या? जी नहीं, घर से निकले हैं, अभी बाजार से निकले हैं घर के लिए, अभी शांति चौक पर हैं। बोलिए ना, वही मैं कल का न्यूज को डाल दूँ। क्या बोले, न्यूज? हाँ, 8 तारीख वाला प्रोग्राम डाल दीजिए। 8 तारीख वाला डाल दे रहा हूँ और अगला महीना से बेहतर नहीं होगा। भारत का इतिहास का प्रोग्राम है ये, जिसे सबक मिलेगा पूरे लेबर मजदूर पूरे भारत का सिस्टमेटिक हो जाएगा इस प्रोग्राम के बाद। अच्छा, 8 तारीख वाला प्रोग्राम के बाद ना? 8 तारीख का प्रोग्राम जो हो रहा है वो ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, उसको उसमें बड़े बड़े टीम लीडर आएंगे और काम के बारे में अंतिम बातचीत जो होती है, अंतिम प्रक्रिया, उसके बारे में बताया जाएगा और सारे लीडरों को ट्रेनिंग समझ लीजिए, वहाँ से प्रकार का ट्रेनिंग मिलेगी और सारा लोग जब काम के बारे में वहाँ समझ लेंगे तो अपना अपना कैंडिडेट का, अपना अपना मजदूरों का, अपना अपना लेबरों का जो फॉर्म की समस्या है, किसी का आपको क्या बोलते हैं ये अपडेट नहीं है या सर्विस कार्ड और QR कोड लिंक नहीं है या किसी भी प्रकार की समस्या है, वो लिंक करे या श्रम मंत्रालय में जमा करे और जमा करने के बाद सर मंत्रालय ने हमको जो 13 मांग दिया है वो सारा चीज लागू करने के लिए वो तैयार हो गए हैं, वो मंजूर कर लिए सारा चीज को और हमारा काम भी मंजूर हो गया। तो जितना जल्दी हो सके पूरे सितंबर में हम सारे लोगों का पेपर, जितने भी लेबर मजदूर हैं सबको, हर एक माल गोदाम भाई जो है, तो हम अपने ऑफिस में, हेड ऑफिस में जमा करें और जमा करने के बाद लिंक करें, लिंक करने के बाद लेबर मजदूर के मोबाइल पर एक सफल मैसेज आएगा, सक्सेसफुल करा होकर आएगा और जिसका सक्सेसफुल हो जाएगा वो ऑलरेडी उसमें ज्वाइन हो गए, उसको ज्वाइनिंग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, समझ गए? इस प्रोग्राम में आपको आना अति आवश्यक है, इसलिए 8 तारीख को सुबह 9 बजे तक पहुंचिए और अंतिम 10 बजे तक ही आप एंट्री ले सकते हैं। जो पास का माध्यम है, पास का व्यवस्था की गई है, जितने भी लोग जाइएगा तो सारे लोगों का सारा चीज, खाना पीना नशा पानी वगैरह सब चीज का व्यवस्था किया गया है और अपना प्रोग्राम कीजिए और 1 बजे लंच कीजिए, उसके बाद आप लोग आइए और फिर काम कीजिए। आपको एक प्रोग्राम बिहार में होगी नहीं, अंतिम प्रोग्राम है, अंतिम समस्या का समाधान करने के लिए सारे टीम लीडरों को इकट्ठा किया गया है और इसी तरह से पूरे ऑल इंडिया में किसी कर्मचारी के द्वारा, इसी पदाधिकारी के द्वारा काम किया जाएगा, ठीक ना जी? तो ये तो मैं डाल ही दूंगा। दूसरा बात, ये वेतन वाला को अगला महीना मिलेगा ये भी डाल दूंगा जी। वेतन वाला जो समस्या है वो आपका जब पेपर जमा हो जाएगा तब ये पेपर रेल मंत्री को दिया जाएगा और उसी माध्यम से, नेट के माध्यम से कितना लेबर का काम परमानेंट में गया है उसी के माध्यम से आपका वेतन मान जो है घोषित होगा। ठीक है मैं इसको डाल दे रहा हूँ। ठीक, ओके, वेरी गुड, ओके सर, थैंक यू। ठीक, फिर बात पुनः हम रात में करते हैं आप। ठीक। जैसा कि डॉक्टर रमन की आवाज़ आपने सुना, जिनका टीम पूरे भारत में है और उनके पास वो लोग QR कोड, श्रम कार्ड और प्रोफाइल रजिस्टर में अपडेट कराने के लिए पूरे भारत से आते हैं, जो चारों तरफ से हताश होते हैं, मतलब मजदूर लोग ऐसे ही हताश हैं, उनके पास ना तो पैसा है, ना घर है, ना उनके बाल बच्चे सुखी संपन्न हैं, तो वो लोग आते हैं, उन लोगों का उन्होंने तहे दिल से स्वागत करके उनका QR कोड और श्रम कार्ड और प्रोफाइल अपडेट करके उन्होंने बहुत महान काम और पवित्र काम कर दिखाया है हमारे डॉक्टर रमन ने। मैं ऐसे मीडिया प्रभारी यह भी देखा कि उनके ऑफिस में ऐसे लोग भी पूरे भारत से आते हैं, जो लोग BRMGSS के नाम से ठगी के शिकार हुए हैं। हजारों लोगों का आंसू पोंछने वाले डॉक्टर रमन जी को मैं दुख से डूबे मजदूर साथियों की ओर से आभार प्रकट करता हूँ और दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले अक्टूबर माह से या इस साल में जो घटना भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के लिए होने जा रही है उसे वे ईमानदारी पूर्वक निभाकर भारत के मजदूरों का बेड़ा पार लगा दें। आपने डॉक्टर रमन की आवाज में सुना कि आगामी 8 सितंबर, याद रखें, आगामी 8 सितंबर 2022 को बिहार के मुख्य कार्यालय में एक ऐतिहासिक बैठक होने जा रही है, जो सुबह 8 बजे से सिमराहा सुपौल में होगा।
भारत के सभी मजदूर भाइयों बहनों से विनम्र निवेदन है कि वे इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लेकर इतिहास के किताबों में अपना नाम दर्ज कराएं और भारत की जनता को दिखा दें कि लोकतंत्र में मजदूर, गरीब, दुखी लोग ही वास्तविक शासक होते हैं। किसी लोकतांत्रिक देश में यही लोग शासक होते हैं। इस वीडियो को समापन करने से पहले मैं सभी भारतीय रेलवे माल गोदाम श्रमिक संघ के मजदूर बंधुओं बहनों से निवेदन करूंगा कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई का पूरा प्रोफाइल बनाकर डॉक्टर रमन अथवा ऐसे ही ईमानदार लीडर्स को सौंपें। आप किसी तरह का ठगी के शिकार ना हो, इसीलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डॉक्टर रमन अथवा ऐसे ईमानदार लीडर्स को सौंपें ताकि वो आपका काम कर दें। आपका पूरा डॉक्यूमेंट भारत सरकार को सौंपी जाने वाली है, इसलिए तैयार रहें। 8 सितंबर 2022 को मैं आपका चेहरा इतिहास रचने के लिए देखने का अभिलाषी हूं। मैं इंतजार करूंगा। जय BRMGSS, जय भारत, जय मजदूर यूनियन। वी कैन विन इट, वी कैन डू इट एंड वी कैन रॉक इट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। नो सब्सक्राइब नो अपडेट। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अपडेट नहीं रहोगे। देयरफॉर मे आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज प्रेस द बेल आइकन एंड सब्सक्राइब माय चैनल टू बी अपडेटेड। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। I wanna thank you.